नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आज से इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू हो गया। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा मंत्री नंदगोपाल नंदी, राकेश सचान और ब्रजेश सिंह मौजूद रहे। यूपी सरकार पहली बार ये आयोजन कर रही है। यह ट्रेड शो 21 से 25 सितंबर तक चलेगा और हर दिन इसका समय सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक होगा। डेली शुरुआत के 4 घंटे बिजनेस आवर रखे गए हैं, जबकि आम जनता की एंट्री दोपहर 3 बजे से 8 बजे तक होगी। ये एंट्री गेट नंबर 1 और 3 से होगी। खास बात यह है कि इस ट्रेड शो में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है, यानी लोगों को किसी भी तरह का टिकट नहीं लेना होगा। बिजनेस कैटेगरी के लिए 68,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आइए अब आपको बताते हैं इस ट्रेड शो की क्या खास बातें हैं। इसमें 66 देशों के 400 से ज़्यादा खरीदार शामिल हो रहे हैं। 2000 एग्जीबिटर्स अपने करीब 300 ब्रांड को प्रमोट करेंगे। ये शो बड़े उद्योगों, आईटी, आईटीईएस, एमएसएमई, ओडीयूपी, स्टार्टअप, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, संस्कृति, ऊर्जा जैसे सेक्टर्स के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों के लिए वैश्विक मंच है, यानी इन सबको अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया गया है। इन्वेस्ट यूपी एवं इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर जैसे विषयों पर चर्चा के लिए खास सत्र रखे गए हैं। इसके अलावा विशेष थीम पर नॉलेज सेशन एवं बीमा सेक्टर पर भी सत्र आयोजित किए जाएंगे। 54GI उत्पादों पर आधारित फैशन शो भी इस आयोजन का हिस्सा बनेगा। उत्तर प्रदेश के अद्भुत क्राफ्ट, क्यूजीन और कल्चर का शानदार प्रदर्शन होगा। इसका मतलब ये कि बेहतरीन कलाकृतियों के अलावा खान पान और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। मुंबई डब्बावाला के प्रबंधन पर डॉक्टर पवन अग्रवाल का एक विशेष सत्र भी रखा गया है। छोटे उद्यमियों, नए निर्यातकों एवं महिला उद्यमियों के लिए बड़ी संख्या में स्टॉल होंगे। अब इन बिंदुओं पर बात विस्तार से। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 15 हॉल में लगे इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदर्शित होने वाले उत्पादों को 44 कैटेगरी में बांटा गया है। ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फर्नीचर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ई कॉमर्स सहित अन्य कई सेक्टर के लोग शामिल होंगे। हॉल नंबर 12 में ऑटो एक्सपो दिखाई देगा, जिसमें टाटा, मारुति, रेनॉल्ट, हुंडई, होंडा, किया, एमजी समेत 32 ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी कारों और वाहनों को प्रदर्शित करेंगी। ज़्यादातर वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद की भी धूम मचेगी। यानी आसान भाषा में ये समझें तो यूपी के हर ज़िले में क्राफ्ट और खान पान से जुड़े जो प्रोडक्ट मशहूर हैं वो सब यहाँ दिखाई देंगे। मशहूर बनारसी साड़ियों से लेकर लखनऊ का चिकन और खादी के कपड़े भी मेले का हिस्सा हैं। आकर्षक पीतल और लकड़ी के प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, हर दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी जलवा दिखाई देगा। पहले ही दिन यानी 21 सितंबर को सूफी गायन और जुगलबंदी, 22 को रिदम रासरंग और सुगम संगीत म्यूजिकल बैंड की प्रस्तुति होगी, 23 को राम गायन, लोक गायकी और चौथे दिन यानी 24 सितंबर को रामायण पर आधारित कथक डांस ड्रामा का मंचन होगा। आखिरी दिन 25 सितंबर को शिव तांडव की प्रस्तुति होगी। इसके अलावा खाने के लिए भी तमाम लजीज व्यंजन और शानदार पेय पदार्थ रहेंगे। यूपी के कई शहरों का लाजवाब स्वाद यहाँ मिलेगा। कुल मिलाकर इस व्यापार मेले में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। आने जाने के लिए लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए नोएडा मेट्रो ने एक्वा लाइन पर ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए हैं। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हर 7.5 मिनट की देरी पर, यानी 7.5 मिनट के अंतर पर मेट्रो मिलेगी। इतना ही नहीं, सेक्टर 51, 76, 137, सेक्टर 142, परी चौक, अल्फा वन और डेल्टा वन पर पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। बॉटनिकल गार्डन और ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन से शटल बस सेवा की सुविधा मिलेगी। यानी जो लोग आ रहे हैं इन मेट्रो स्टेशन के बाहर, आयोजकों के मुताबिक इन दोनों मेट्रो स्टेशन के बाहर हर 30 से 40 मिनट के अंतराल पर गाड़ियां मौजूद रहेंगी, जो लोगों को ट्रेड शो लेकर जाएंगी और वापस मेट्रो स्टेशन छोड़ेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अन्य तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।